हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, राजस्थान पटवारी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के इंडिविजुअली हजार हजार क्वेश्चन। इसके लिए डेली हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं, 10 क्वेश्चन लगाते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हम हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीख सकें। आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को करना है पॉज और पहले करने हैं आंसर खुद निकालने, फिर आपको उस मेथड पे जाना है। तो सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 60 तक कर लिए थे, है ना, आज हम 61 से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो बनाओ और एकदम आराम से करो, फिर सॉल्यूशन पे जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स संख्याओं का औसत वाई है, वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पहली चीज आपको माइंड में रहनी चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत हमें पता है, मेरे माइंड में रहना है कि औसत होता है योग बटा कुल संख्या, जितनी भी संख्या है वही होता है। ठीक है साहब, अब दूसरी बात, पहली चीज इसने कही क्या क्या है, एक्स संख्याओं का औसत वाई है, तो एक्स संख्याओं का औसत, एक्स संख्याओं का औसत का मतलब क्या है, एक्स संख्याओं का औसत होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स संख्याओं का योग, एक्स संख्याओं का योग बटा कितनी संख्याएं कितनी है, एक्स है तो एक्स लिख दिया। मान लो x की वैल्यू 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमने x ले लिया, x संख्याओं का औसत क्या है, x संख्याओं का योग होगा बटा x आ गया। ऐसे ही ये दिया हुआ कितना है साहब, y दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है साहब, y दिया हुआ है, अब ये x इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा गुणा होगी, ये क्या मिल गया, x संख्याओं का योग मिल गया। क्यों किया मैं अभी समझाऊंगा आपको, x संख्याओं का योग आ गया। ठीक है साहब, ऐसे ही y संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है दोस्त, संख्याओं का औसत वो होगा क्या, हमें पता है साहब y संख्याओं का योग, y संख्याओं का योग बटा कितनी संख्याएं हैं, y है तो y आ जाएगा। ठीक है साहब, ये दिया हुआ है x, तो x इंटू वाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है ये x y के कारण, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह 5 ले लो, यहाँ 7 ले लो, वैसे भी कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि उसने कहा कि सभी संख्याएं, तो सभी संख्याएं कितनी होगी, देखो एक तो x संख्याएं थी और एक y संख्याएं थी, टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस y, है ना, टोटल संख्या ये हो जाएंगी। टोटल संख्याओं का औसत निकालने के लिए मुझे x प्लस y संख्याओं का योग चाहिए, संख्याओं का योग चाहिए, और भाग में किसका दे दूंगा, x प्लस y का ही दे दूंगा, मुझे पता है टोटल संख्या है। x प्लस y संख्याओं का योग के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, x संख्याओं का योग प्लस y संख्याओं का योग, मतलब मुझे ये मान लो कि ये 5 और 7 है, x 5 है और 7 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं पहले 5 संख्याओं का योग, फिर जो 7 संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 7 दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, है ना, इसलिए मैं योग निकाल रहा था। तो x संख्याओं का योग प्लस y संख्याओं का योग करने के लिए मुझे क्या आएगा, x संख्याओं का योग क्या है, एक्स वाई, और y संख्याओं का योग क्या है, वो भी एक्स वाई है, और बट्टे में क्या चाहिए, x प्लस y, इनको जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस y, ये किसका आ गया, ये आ गया साहब सभी संख्याओं का औसत। थोड़ा सा समझ में आया होगा, बाकी नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाके वापस जरूर देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कोई क्वेश्चन में कोई इतना हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, परंतु थोड़ा सा एक्स वाई के कारण कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है सब, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कुछ मिठाइयों का, पिछले का आंसर तो आ गया 2xy / x + y, समझने की कोशिश करना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बनाओ, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई रामायण है ही नहीं इसमें, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है भाई, एक क्लास है क्या है, कुछ है, कुछ मिठाइयाँ ए और बी में 3:4 में बांटेंगी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3:4 में। ठीक है सब, यदि ए को 36 मिठाइयाँ मिली, ए को 36 मिली, इसका मतलब क्या है, तो कुल मिठाइयाँ कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा 3, देखो हमारा क्या 3, हमारा 3 क्वेश्चन के किसने के बराबर है, क्वेश्चन के 36 के बराबर है,
मतलब मैं सिंपल सा कहना चाहूं कि तीन किसके बराबर है, तीन इकाई किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो एक इकाई किसके बराबर होगी, 12 की, 36 में तीन का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है सर, उसने पूछा है टोटल मिठाइयां कितनी होंगी, हमारे हिसाब से कितनी होती, तीन और चार टोटल कितनी हो जाती, टोटल कितनी हो जाती, 7। हमारा एक क्वेश्चन के 12 के बराबर है, हमारा एक इकाई क्वेश्चन के 12 के बराबर है, तो हमारा 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 7, 12 सत्तर 84, 84 मिठाइयाँ टोटल हो जाएंगी। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 3x, इसको क्या मान लो 4x, तो टोटल मिठाइयाँ कितनी होगी 7x। 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमें क्या निकालनी है, टोटल मिठाइयां वो क्या होंगी, 7x दैट इज 12 इंटू 7 दैट इज 84। ऐसे भी बच्चा कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको मेथड आता होगा तो आप चुटकियों में बना ले जाएंगे, यदि मेथड नहीं आता तब रामायण हो जाएंगी। देखो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त आप पढ़ो पहले बनाओ, एकदम इजी क्वेश्चन है वैसे तो। क्या है, एक बच्चा अपनी सामान्य गति से 3/5 भाग से जाता है तो 20 मिनट देरी हो जाती है, वह अपनी सामान्य गति से जाएगा तो कितना समय लेगा। एकदम सिंपल बता रहा हूं, ट्रिक्स ट्रिक्स भी मैं इसकी बता सकता हूं, वो मैं आपको थ्योरी में बताता हूं, इसको अभी ऐसे मेथड से बता रहा हूं जहां हर कोई समझ जाएगा। ठीक है, मान लो कि वो एक्स से जा रहा है, x से जा रहा है, चलो x से भी मत जानू, मान लो कि वो v गति से जा रहा है, v गति से जा रहा है, और v गति से जाने पे समय कितना लगता है, मान लो समय लगता है t, लगता है t समय, v गति से जा रहा है और समय क्या लग जाएगा दोस्त, t लग जाएगा। ठीक है, अब क्या किया कि वो थोड़ी तीन अपनी गति के 3/5 से जाता है, यानी 3/5 v से जाता है, जाता है, तो अब समय कितना लगेगा, अब समय लगेगा साहब t+20, कितना हो गया, 20 मिनट देरी से जा रहा है तो t+20 हो गया, t मिनट में t+20 हो गया। अब आपको क्या कहा है, अब आपको पूछा है कि v से जाता तो t कितना लगता, यही तो पूछा है, सामान्य गति से जाता तो समय कितना लगता, मुझे बताओ इस केस में क्या कॉन्स्टेंट है, क्या नियत है, क्या चीज नहीं बदली, वो चीज नहीं बदली, दूरी कॉन्स्टेंट है, दूरी क्या है, नियत है, डेफिनेटली नियत है, पहले भी जितनी दूर जा रहा था अभी भी इतनी दूरी जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। इस तरह क्वेश्चन में आप देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, कभी चाल कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, कभी दूरी कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, कभी समय कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है, आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर केशव बानु क्लासेस, हमारी आपको चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, साथ में जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में मिलेंगी राजस्थान पटवारी रीजनिंग, राजस्थान पटवारी मैथ्स, वहाँ पे थ्योरी भी चल रही है, वो थ्योरी देखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये सा मेरा आपसे वादा है। चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, कि भाई चाल दूरी समय क्या कॉन्स्टेंट है, दूरी कॉन्स्टेंट है, तो चाल इंटू समय भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, चाल इंटू समय पहले केस के लिए और बराबर होगा चाल इंटू समय दूसरे केस के लिए। ये देखो एकदम आराम से कर लोगे, वैसे इसकी ट्रिक भी है, छोटी सी ट्रिक होती है, 3/5 से भी निकाल सकते हो, वो मैं थ्योरी में बताऊंगा, अभी मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में लिमिटेड हो जाती है, अभी मैं वो मेथड बता रहा हूँ हर जगह लगेगा। ठीक है साहब, पहले केस में चाल और कितनी है, वी है, और समय कितना है, टी है। दूसरे केस में चाल कितनी है, 3/5 वी है, और समय कितना लग रहा है, t+20। केवल 20 मत लगा देना, 20 लगाने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब t तो समय के साथ 20 मिनट है। ठीक है सर, अब कर लो, v से तो v गया कट, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू, ये अंदर गुणा कर दो, 3t+3 × 60, तो यहां से ये कटूंगा तो 2t इज इक्वल टू कितना आ गया, 60, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो t की वैल्यू 30, यही तो हमसे पूछा था कि समय सिंपल जैसे जाता, v से ही जाता तो समय कितना लगता, तो हम आंसर दे देंगे 60/2, यानी 30 मिनट लगते, आंसर क्या आ जाएगा, 30 मिनट। एकदम सिंपल है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि दूरी क्या है, कॉन्स्टेंट है, पहले केस में जितनी दूरी है उतनी ही केस में दूसरे में है, इसलिए मैंने ये काम किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया
होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर कितना 63 कर लिया, 64 करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना तो कमेंट करके बताएं, और समझ में आ जाता है तो भी कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करते हैं, तो फीडबैक देना अति आवश्यक है। एक संभव त्रिभुज खेत जिसकी लंबाई 20 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है साहब, और इसके तीनों सिरों पे 4 सेंटीमीटर, मीटर कर लो यार इसको, चलो कोई नहीं सेंटीमीटर रहने दो, इमेजिनेशन कर सकते हैं ना, लंबी रस्सी की एक एक गाय बांधी जाती है, तो इस खेत में गाय द्वारा न चरा जाने वाला क्षेत्रफल कितना होगा, चरा जाने वाला नहीं, न चरा जाने वाला। कैसे करेंगे देखो, क्या कह रहा है, एक खेत है सब, एक खेत है, ये लोग त्रिभुजाकार है, वो भी संभव त्रिभुजाकार है, और जिसकी लंबाई कितनी है 20 20 है साहब, ये भी 20 होंगी, ये भी 20 होंगी, ये भी 20 होंगी, हर तीनों कोनों पे एक एक गाय बांधी है जिसकी लंबाई कितनी है 7 है, कितनी है रस्सी है तो 7 है, ये 7 होगी, इधर से ये भी कितनी होगी 7 होगी, है ना, और इधर से ये भी कितनी होगी 7 होगी, देखो ये 7 और ये 7 14, मतलब ये दोनों गाय आपस में भिड़ेंगी नहीं, दूरी पे रहेंगी। अब देखो गाय खा रही है तो गाय कैसे खाएंगी, यहां से खाती हुई ऐसे 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 पूरा खा जाएंगी, यानी एक क्या बनाएंगी, सर्कल का चाप बनाएंगी, कैसे, क्योंकि ये जो रस्सी है अंदर वाला भी खाएंगी, ये भी पूरा एरिया खा जाएंगी, ऐसे ही ये वाली भी कैसे, ऐसे ये सारा एरिया खा जाएंगी, ऐसे ये सारा एरिया खा जाएंगी, तो बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला, और इस एरिया को क्या कह सकता हूँ, इस एरिया को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोटल एरिया में से क्या घटा दूँ, इन तीनों का घटा दूँ, तो बचा वाला एरिया क्या हो जाएगा, ना चरा जाने वाला। तो टोटल कितना है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इसकी तो थ्योरी हो भी गई है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता ही, ये सब कर लो सोल्व, √3/4 भुजा कितनी है 20 20 है, 20 × 20 करा, 5 बार कटा, 100√3 आ गया, चलो साहब इसको ऐसे रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हम निकालते हैं इसका, किसका भाई, ये जो पिज्जा का एक पार्ट सा बनाया ना उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका है कि सिंपल देखो, ये कोण कितना बनेगा, ये कोण आपको पता है कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि संभव त्रिभुज है तो सारे कोण कितने होंगे 60 डिग्री होंगे, तो एक इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, एक पार्ट का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये देखो पूरा सर्कल बनता तो एंगल कितना होता 360 डिग्री, पूरा सर्कल बनता तो ये पूरा एंगल कितना होता 360 डिग्री, परंतु यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि 60 डिग्री इसकी औकात है, टोटल औकात कितनी होती है 360 डिग्री होती है, गुणा कर दो किसके पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर, देखो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 1/6 गुणा पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 इंटू आर कितनी होगी, जितनी लंबी रस्सी है कितनी होगी 7, तो 7 × 7, तो 7 से इस 7 को काट दो, बाकी कुछ काट सकते हो अभी एक बार रुक जाओ, ये हमारा एक का क्षेत्रफल आया है, एक का क्षेत्रफल आया है, ऐसे तीन है, ऐसे टोटल कितने हैं 3 हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, चरा जाने वाला क्षेत्र कितना होगा, चरा जाने वाला क्षेत्र कितना है, वो है साहब 3 × 3 × ये कितना है साहब 1/6 × 22 × 7, एक साथ तो कट गया, क्यों किया मैंने 3 की गुणा, क्योंकि ऐसे 3 पार्ट हैं, और ये चरा जाने वाला मतलब ये पूरा क्या गायें खा जाएंगी, कितना आ जाएगा साहब, इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो 11 आ जाएगा, 77। अब देखो ऑप्शन में क्या √3 √3 कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमें √3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्या देखो √3 की वैल्यू 1.73 याद रखना, वैसे दे देता है क्वेश्चन में, नहीं याद रहे तो भी याद रखनी है, क्वेश्चन में ना दे तो भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 1.73 होती है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आएंगी, 1.73 गुणा 100 करूंगा तो ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा, 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो टोटल है, और खा कितनी गई गाय 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ना चरा जाने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
टोटल में से घटाऊंगा 173 में से 77, जो बचा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम नहीं लगता इतना, मैंने सॉल्यूशन आपको समझाने के लिए एक एक लाइनें लिखी है। कौन सा आप पेपर में ऐसे लिख लिख के करोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप सेकंड्स में बना लोगे और इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलती रहेंगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 65 नंबर क्वेश्चन। एक रेल अपने से दुगने लंबाई के पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है साहब, 30 सेकंड में पार कर लेती है तो बढ़िया बात है। और उसकी पुल की लंबाई क्या है, उस रेल से दुगनी है। ठीक है साहब, फिर क्या कह रहा है, यदि रेल की चाल 90 किलोमीटर पर आर है तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, और चाल किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है। तो पहले चाल को क्या कर लो, चेंज करो, रेल की चाल को चेंज करो। किस में करो साहब, इसको भी मीटर पर सेकंड में करो। कितनी है, 90 किलोमीटर पर आर। इसको गुणा करूं, 90 को गुणा करूं किस से भाई साहब, 5/18 से, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। कैसे सर, कैसे क्या, सिंपल सी कहानी है। 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 1000 मीटर, ये मीटर में हो गया। और एक घंटे को सेकंड में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड है ना, सेकंड में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड होते हैं साहब। 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 और ये 18, ये 5/18 आ गया है ना। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो एक सेकंड लगते हैं, है ना। 5/18, 18 × 90, 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गई भाई साहब इसकी चाल। क्यों निकाली, क्योंकि हमें दूरी भी मीटर में दी हुई है और ऊपर जो समय दिया है वो भी सेकंड में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, एक रेल है साहब, ये रेल है, और ये रेल है ना एक पुल है। पुल कितना है, लंबा बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई इससे क्या है, दुगनी है। तो मैं मानता हूँ रेल की x है तो पुल की कितनी होगी, 2x, ये पुल हो गया और ये हमारी क्या होगी, रेल होगी साहब, रेल होगी साहब। ठीक है सर, अब देखो क्या है, ये आपेक्षिक रिलेटिव रिलेटिव डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है इसमें, है ना, रिलेटिव डिस्टेंस का लगेगा, है ना। तो फॉर्मूला तो वही है, चाल बराबर क्या होता है साहब, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है साहब, अब देखो चाल इसमें रिलेटिव लेनी है, रिलेटिव आपेक्षिक बोलते हैं सहायता, है ना, आपेक्षिक, आपेक्षिक चाल लेनी है, यहाँ पे आपेक्षिक दूरी भी लेनी हो और आपेक्षिक समय। आपेक्षिक चाल जब एक चीज रुकी हुई होती है ना और दूसरी चल रही हुई होती है, तो सिंपल जो चल रही है उसकी स्पीड ले लेते हैं। आपेक्षिक दूरी हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐसे आ रहे हैं कैसे भी जा रहे हैं, चाल हमेशा बढ़ती घटती मतलब जोड़ी भी जाती है और घटाई भी जाती है, वो दिशा पे डिपेंड करती है। परंतु यहाँ पे तो एक ही वस्तु चल रही है तो दिशा विशा की कोई रामायण नहीं है, और दूरी हमेशा जोड़ी जाती है। तो कितनी आ जाएंगी, देखो चाल कितनी है हमें पता है, 25 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएंगी, एक्स, ये देखो ये इसको पार करती है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो यहाँ से ये गाड़ी चली, 2x तो पूरा चलना ही पड़ेगा, तब 2x गाड़ी यहाँ से निकली मान लो, तो हम थोड़ी कह देंगे पार होगी, नहीं, इसको खुद को भी तो पूरा ऐसे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से 2x तो ये होगी, x वहाँ पे और जुड़गी, तो टोटल कितनी होगी, 2x प्लस x यानी 3x अपॉन में कितना, समय कितना ले रही है साहब, क्वेश्चन में समय दिया था क्या हमें, हाँ दिया था साहब, 30 सेकेंड ले रही है। बस अब तो सोल्व कर लो, यानी 1x 10, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 250 मीटर। अब उससे ने पूछा क्या है, उसने पूछा है साहब पुल की लंबाई बताओ, ये तो x आया है, पुल की लंबाई क्या है, 2x है, यानी 2 × x करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर का पुल है, आंसर आ गया 500 मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम मक्खन जैसा क्वेश्चन है, आराम से बना ले जाओगे यदि मेथड आपको पता है ना। बाकी सब चीज़ें मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ते रहिए उनको। अगला क्वेश्चन देखो, 66, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, देखो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं इस टाइप के, ऐसे नहीं कि अभी एकदम हमारे लिए नए हैं। जिन्होंने एक नंबर से स्टार्ट किया था ना हमारे साथ, वो डटेंगे नहीं, एक बार नहीं समझ में आएगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं 5-6 बार कराऊंगा, नहीं आपको कम से कम 15-20 बार कराऊंगा हर टाइप का क्वेश्चन, तभी तो हमने 1000 क्वेश्चन लिए। 1000 वेराइटी नहीं है, 1000 तरह की वेराइटी नहीं मिलेंगी आपको, वैरायटी जो मिलेंगी वो 10-15 बार रिपीट होंगी, ताकि आपका माइंड एकदम सेट हो जाए क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली बार भी, एक बार वापस करते हैं।
एक ठेकेदार 240 दिन में कोई काम करने का निश्चय करता है, ठीक है। पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटा W2 MDH मसाला है ना। ठेकेदार क्या कहता है, 240 दिन में काम करना है, वह 120 दिन बाद जाकर देखता है। मतलब हमें पता चल गया पहला केस कितना है, 120 दिन का है साहब। चलो ठीक है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, डेज कितनी हो गई, 120 डेज, ठीक है साहब। अब क्या कहता है, सिर्फ 25% काम ही समाप्त हुआ है, यानी वर्क कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक है साहब, 25% लिख लेते हैं। यदि वह कार्य को समय पर खत्म करना चाहे, समय पर खत्म करना है, यानी दूसरा केस जो बनेगा उसमें भी डेज कितने आ जाएंगे, 120। भाई एक 240 पूरे दिन है, 240 में खत्म करना था उसको, 120 दिन बाद आया, यानी 120 दिन वाला पहला केस हो गया और उससे अगला दूसरा केस हो गया। तो 120 दिन ऑलरेडी बिता चुका, तो दूसरे बचे कितने, 240 माइनस 120 यानी 120 दिन बचे, ठीक है साहब। यदि वह खत्म करना चाहे तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, यदि आरंभ में 60 व्यक्ति चुने गए थे, आरंभ में कितने हैं, 60 व्यक्ति है, यानी यहाँ पे मैन कितने हैं, 60 है साहब। देखो समझने की कोशिश करना, M क्या होते हैं, आदमी होते हैं, D क्या होते हैं, दिन होते हैं, H यहाँ पे क्या है, R, कभी कभी कहते हैं ना हर दिन 8 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं वहां पे, और W क्या होता है, काम होता है, ठीक है सब। अब चाहता वो क्या है कि 240 दिन में हो, और 240 दिन में हो तो यहाँ पे हमें W चाहिए, यहाँ पे हमें M चाहिए, ठीक है सब। 60 ऑलरेडी उसने कर रखे हैं, तो दो दूसरा केस है उसमें उसको काम कितना खत्म करना है, 75% आदमी हमें निकालने है ना। अब देखो कर लो, M कितना है, 60 गुणा D कितना है, 120, H नहीं है तो छोड़ दो उसको, W कितना है, 25% लिख दिया, बराबर M कितना है, यहाँ पे M हमें निकालना है, D कितने हैं, 120 दिन ही है, अपॉन 75% वर्क हो गया। अब कटिंग फटिंग कर लो, तो 25% से ये काटता हूँ तो कितना आ गया, 3, 120 से 120 कट गया, यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ गई, 180। मतलब यहाँ पे यदि आपको 120 दिन में अगला 75% काम खत्म करना है तो आदमी कितने चाहिए, 180 चाहिए, 180 आदमी आपको आवश्यक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने और आदमी चाहिए, आंसर ऑप्शन में 180 मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं है परंतु ऑप्शन में मिलेगा 180, और आप उसको टिक लगाए होंगे, गलती यही हो जाती है। सोचो बच्चा 180 बंदे चाहिए, 60 ऑलरेडी है उसके पास, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिएंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो होंगे 180 माइनस 60 यानी 120 बंदे और बुलाने पड़ेंगे। ये जो मेन आए हैं ना वो टोटल आए हैं साहब, टोटल आए हैं कि टोटल 180 आदमी चाहिए यदि 120 दिन में 75% काम करना है, 60 ऑलरेडी हैं तो बुलाने कितने पड़ेंगे, 120। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ब्याजों से क्वेश्चन आएंगे इस बार और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और ये उन अच्छे क्वेश्चन में से एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना और आराम से कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद नहीं विश्वास है। क्या है भाई, किसी धन के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है साहब, ठीक है साहब 400 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 420 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है, देखो हमेशा जो साधारण, देखो वर्ष कितने हैं, 2 हैं, इनकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा थ्योरी में, परंतु अभी आप एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करो, ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है साहब, यानी चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है साहब। साधारण ब्याज की खासियत क्या है, वो हमेशा हर साल के लिए बराबर रहता है। साधारण ब्याज की खासियत क्या है, वो हर साल बराबर है। मान लो आपको कह देता है कि पहले दिन, पहले साल साधारण ब्याज 200 रुपये था, तो अगले साल भी 200 होगा और 200 साल बाद भी उसका साधारण ब्याज तो हमेशा 200 रुपये ही होगा, ठीक है साहब। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज के साथ क्या फंडा है, वो ब्याज पे ब्याज लेता है। मतलब पहले साल मान लो मूलधन पे जो है 200 रुपये का ब्याज लगा है, तो अगले साल मूलधन पे 200 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ये जो ब्याज है ना, ब्याज 200 रुपये का, इस पे भी ब्याज लगेगा, है ना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगना।
अब समझते हैं क्या कह रहा है साहब। दो साल के लिए साधारण ब्याज 400 रुपए, दो साल में 400 रुपए मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर साल कितने मिल रहे होंगे, 200 200 रुपए मिल रहे होंगे। दो साल की बात हो रही है तो है ना 400 रुपए, क्योंकि बराबर होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, पहले साल तो डेफिनेटली कितना ही मिला होगा, 200 रुपए। पहले साल के लिए हमेशा हमेशा SI और CI क्या होता है, बराबर होता है। अगले साल कितना मिला होगा, 220 रुपए मिला होगा, 220 रुपए मिला है। क्यों मिला है साहब, क्योंकि 420 टोटल है, देख लो क्वेश्चन में है। अब मैं इस 220 को तोड़ूंगा, क्या भाई 200 प्लस 20 रुपए, ये 200 रुपए तो क्या है मूलधन पे ही है, 200 रुपए तो क्या है मूलधन वाला ही है। ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आए दूसरे साल में, ये 20 रुपए आए इस ब्याज पे जो ब्याज लगा है, इस ब्याज पे जो ब्याज लगा है उस कारण ये 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, है ना, नहीं तो 200 ही मिलते। 200 तो कहां से मूलधन के हैं, तो वो तो हमेशा चलते रहेंगे, परंतु ये 20 रुपए एक्स्ट्रा है, क्यों आए, क्योंकि इस बार ब्याज पे भी क्या लगा है, ब्याज लगा है। और तो बताओ मुझे 20 रुपए 200 का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, तो हम देखते हैं ये कितना होता है साहब, 10% होता है, 10% होता है। 200 का कितना प्रतिशत है, 10% ही है, तो ब्याज की दर भी कितनी होगी, 10% होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ नहीं करना होता। आप यदि 2 वर्ष के लिए कर रहे होते हो तो कुछ नहीं करो, घटा दो SI में से CI, घटा दो कितना है साहब 20 है, SI में से CI फॉर्मूला बना लो बोली, CI-SI, ये केवल 2 साल के लिए, CI-SI बटा SI का बटा दो, SI का बटा दो, उसका हाफ करो, क्योंकि हाफ है गुणा कर देना। सो ये केवल 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखना, यदि फॉर्मूला वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बना रहो, नहीं तो आप समझ सकते हो कि दूसरे साल में जो एक्स्ट्रा आया है वो किस पे आया है, ब्याज पे आया है। तो 200 का कितना प्रतिशत है, वही ब्याज की दर होगी, 10% है, यानी 20/200 यानी 110% आ गया आंसर, ठीक है। नहीं तो CI-SI करोगे तो 420 था CI और SI है, 400 अंतर कितना आया 20 का, और SI का क्या कर दो, 2 SI का 2 करता हूँ तो 400 का 2 करूँगा तो 200 × 100 कर दो, तो आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 लेते हैं, 10% इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है 68 का, ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको एकदम माइंड में बैठा लो, छाप लो इसको माइंड में क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और आप लगाओगे समय, मैं आपको समय बचाने का मेथड बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, 1,08,000 दो बैंकों में जमा करा दिए, पहली बैंक पे 6% की दर से 5% के लिए और दूसरी बैंक में 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, अंत में समान मिश्रधन प्राप्त हुआ तो दूसरी बैंक में कितना धन जमा किया था, टोटल कितना है 1,08,000, ठीक है साहब, टोटल कितना है 1,08,000, उसमें से एक तो बैंक फर्स्ट में जमा करा रहा है और एक बैंक सेकंड में करा रहा है, मेथड समझ लेना बहुत काम आने वाला है। P1 पहले का मूलधन मान लिया मैंने, P2 दूसरे का मूलधन समझ लिया, ठीक है साहब। यहाँ पे कितने प्रतिशत क्या है साहब, 6% की दर और 5 वर्ष के लिए, तो यानी 6% की दर है 5 वर्ष के लिए, और इधर क्या लगा रहा है 8% की दर 5 वर्ष के लिए। देखो मैं आपको वैसे है ना थ्योरी में और अच्छे से समझाऊंगा, SI निकालने सिंपल साधारण ब्याज जब ना देना तो साधारण ब्याज ही समझा करो, साधारण ब्याज को और अच्छे से थ्योरी में पढ़ाऊंगा, और पता नहीं आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप थ्योरी में मैंने पढ़ा दिया होगा है ना, उसमें मैं इसको एकदम डिटेल में समझाता हूँ ये चीज़ आई कैसे है ना, ये जो मेथड अभी बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, देखो ब्याज का मतलब क्या हो गया 30%, इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, क्योंकि देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यही तो होता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये पी का RT प्रतिशत है, पी का RT प्रतिशत है, पी प्रिंसिपल R × T का प्रतिशत। अभी थ्योरी नहीं समझ में आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएंगे, आपको क्लासेस थ्योरी वाली लेनी होगी। अभी आप क्या करें, इनकी गुणा कर लें, इनकी गुणा कर ली तो कितना आ गया 8×40%, ये आपका क्या होगा ब्याज होगा, ब्याज ये है। जब ये ब्याज कब होगा, जब प्रिंसिपल क्या मान लिया जाए 100% माना जाए, 100% माना जाए, तो ब्याज क्या होगा 6×30% आ जाएगा, इसका ब्याज कितना हो जाएगा 40% आ जाएगा।
क्वेश्चन ने कहा है मिश्र धन बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है मिश्र धन बराबर है, प्रिंसिपल 100%, ब्याज 30%, तो मिश्र धन ऑब्वियसली बात कितना आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा 100+30 यानी 130%, और ये कितना आ जाएगा 140%। आएगा कि नहीं आएगा समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो मैं कहता हूँ 100 रुपये, यहाँ पे भी 100 रुपये, 100 रुपये हैं, ब्याज 40 रुपये मिला, तो आपको कितने टोटल मिश्र धन मतलब कुल धन कितना मिल जाएगा 140। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 13%। कुछ नहीं करना अब, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या करें, इसको इस अनुपात में बांट दे, उल्टे अनुपात में, अनुपात निकालूं तो प्रतिशत पे प्रतिशत काट दूं, ये मैंने काट दिया, अनुपात कितना आ गया 14:13, तो इसको बांटना हो ना तो 14:13 में बांट दो, आंसर आ जाएगा एकदम सिंपल। क्या करना है, पहले गुणा करनी है, ब्याज निकालना है, मिश्र धन निकालना है, और उसके विपरीत में अनुपात में आप निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप तभी भी करते हो, विक्रय मूल्य समान हो तभी भी हम करते हैं ना, है ना, इस तरह क्वेश्चन हम करेंगे, जब विक्रय मूल्य बराबर होता है तो भी हम क्रॉस में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 180,000 को 14:13 में बांट दो, 14 का किसको मिलेगा इसको, और 13 किसको मिलेगा इसको। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दूसरे बैंक में कितनी होंगी, तो दूसरे बैंक में कितनी होंगी साहब, 13 बटा टोटल कितना है 27 गुना 108,000, यानी 4 बार कटेगा 4,000 13 चौक 52,000, इसका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, इस मेथड को समझ लेना, नहीं तो रामायण हो जाती है। आप वैसे भी कर सकते हो बाय प्रिंसिपल को, आपकी मर्जी है, करके भी देख लेना, ठीक है सर। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, एक बार वीडियो को वापस जाके समझना, अपन समझना जरूर। अगला देखो 69 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, आज वाले सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, थोड़ा से घुमा फिरा के जरूर है परंतु अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह की। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 kg की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ या हानि। इस तरह क्वेश्चन होना कि फॉल्टी जो इसका मेजरमेंट होता है, तब हमें क्या करना है, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है, बचा या फिर घर से लगा, या तो बच जाएगा या घर से लग जाएगा, बट्टा जितना तोला जाता है, तोला जाता है गुना 100 करो, यही आपका क्या आ जाएगा, बचने वाले केस में प्रॉफिट आ जाएगा और हारने वाले केस में प्रॉफिट, बचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और घर से लगेगा तो लॉस आ जाएगा, तो ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, ठीक है साहब। अब देखो क्या है, 1 kg के स्थान पे 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करते हैं, तो 1 kg दे रहा है, 800 ग्राम ही बेच, मतलब 1 kg दुकानदार को तो, सॉरी जो ग्राहक है उसको तो लग रहा है वो पैसे कितने का देगा, 1 kg का देगा, पर तो ये घर से तो कितना दे रहा है 800 ग्राम, तो बच रहा है इसका 1 kg मतलब 1000 ग्राम बच ही रहा है, तो हमेशा क्या होगा प्रॉफिट होगा, बच कितना रहा है 200 ग्राम बच रहा है, 200 ग्राम बच रहा है, बच रहा कितना है घर से, बचा कितना 200 ग्राम, तोला कितना जाता है, एक्चुअल में तोल कितना रहा है, 1 किलो नहीं तोल रहा वो, एक्चुअल में तोल यानी उसके घर से कितना लग रहा है, वो केवल 800 ग्राम लग रहा है, दैट इज 800 गुना कर लेना 100, आंसर आ जाएगा साहब, सॉरी 800, हाँ आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा, करके देख लो ना 800 या फिर 100 200 ऐसे काट दो, 1/4 यानी 25% आंसर आ गया, 25% है ना, 1/4 और 25, ठीक है साहब 25% आंसर आ गया, 25% का क्या होगा लाभ होगा, हानि नहीं, क्योंकि देखो कह रहा है 1 किलो और 800 ग्राम ही दे रहा है तो फायदा तो हुआ ही है ना, 1 किलो का कह के 800 ग्राम ही दे रहा है तो बच रहा है उसके घर से तो प्रॉफिट होगा, दैट इज विल बी प्रॉफिट। यदि घर से नहीं, यदि 1 किलो की जगह 1200 ग्राम का बाट यूज करता तो घर से लगते कितने 200, और नीचे कितना लगता, नीचे लगता 1200, क्यों, जो एग्जिट तोला जा रहा है ना वही आपको बताना है, सॉरी थोड़ी सी भावनाओं में बह जाते हैं तो चश्मे की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। तो ये हो गए 69 70 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपको करना होता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, फेसबुक पे जुड़ जाएं क्योंकि इनके जो फोटो पिक्स है वो मैं फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ, या वेबसाइट पे चले जाइए
वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फेसबुक पे देख रहे हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है केशव बानू क्लासेस, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे सर्च कर लेना केशव बानू क्लासेस, केबीसी नाम से हमारा पेज मिल जाएगा, उसे कर देना लाइक, वहाँ पे भी आपको मटेरियल मिलता रहता है। साथ में रीजनिंग की क्लासेस देखना, पटवारी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे थ्योरी क्लासेज हैं, एक मॉडल पेपर भी बनाया गया है वो भी जाके देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ जाके चैनल को विजिट जरूर करें एक बार, है ना पूरा। और अगर आप बाकी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभप्रद है, ठीक है साहब। तो लेता हूँ मैं अलविदा, नई क्लास के साथ जल्द हाजिर हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।